हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल? आज 9 जून दिन रविवार, हिंदी तिथि, शुक्ल पक्ष तृतीय है। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में गहराया पानी की कमी का संकट, एक दूसरे पर क्यों इल्जाम लगा रही आम आदमी पार्टी और बीजेपी। दिल्ली की बूढ़ी महिला जो 80-80 साल की है, वह पानी ढोने के लिए मजबूर है। जब जनता सरकार चुनती है तो उम्मीद होती है कि कम से कम मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। पानी एक मूलभूत सुविधा है, लेकिन दिल्ली में पानी की कमी को लेकर दोनों तरफ से सियासत हो रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है और बीजेपी पानी के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को नाकाम करार दे रही है। से जो पानी वजीराबाद आता है उसका स्तर लगातार कम हो रहा था। एलजी साहब को बजाय इसके कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के दोष ढूंढने लगे, उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि हरियाणा के ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो हथनी कुंड से पानी छोड़े जो वजीराबाद पहुंचे, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये बात तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। और हम दोनों को, हिमाचल की सरकार को और हरियाणा की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को, तीनों को धन्यवाद देंगे कि कम से कम अभी होने दें। ये बहुत जरूरी है। दिल्ली की राजधानी में देश भर के लोग रहते हैं। आज दिल्ली वाले एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ दोषारोपण का खेल खेल। कल दिल्ली की मंत्री वजीराबाद बैराज पे गई, ये तो शोर मचा रही है कि पानी नहीं आ रहा है, लेकिन ये नहीं बता रही कि वजीराबाद बैराज में पिछले 7-8 सालों से गाद क्यों नहीं निकाली गई, जिससे वहाँ का स्टोरेज कम हो गया है। मैं विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। छोटी छोटी बातों पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप लोग विधानसभा का सत्र बुलाते हो। आपको अभी विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए और दिल्ली सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि पिछले 10 सालों में कहाँ गए वो नल, कहाँ गए वो पाइप जो अपने पानी के लिए डाले थे, कहाँ गए वो बोरवेल जहाँ पानी निकलना चाहिए था। संविधान को मोदी के नमन से नीतीश के शिष्टाचार तक, तीसरे ट्रंप से पहले की ये तस्वीरें। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेता चुना गया। जेडीयू और टीडीपी समेत एनडीए के सभी घटक दलों ने नरेंद्र मोदी को नेता के रूप में समर्थन दिया। एनडीए की मीटिंग में 10 बड़ी पिक्चर सामने आई हैं, जिनमें बदलता सियासी घटनाक्रम साफ साफ दिखाई दे रहा है। मोदी 3.0 कैबिनेट में टीडीपी की कितनी हिस्सेदारी, कौन कौन लेंगे शपथ, आ गई लिस्ट। मोदी 3.0 में कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, इसे लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ सामने नहीं आया है और अटकलें ही लगाई जा रही हैं। इस बीच टीडीपी ने अपने कोटे के मंत्रियों के नाम की घोषणा कर दी है। टीडीपी को मोदी 3.0 महापरिषद में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का बर्थ मिला है। मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को किया नमन, राजघाट सदैव अटल, मोदी ने देश के सपूतों को भी किया नमन। नरेंद्र मोदी रविवार को यानी आज शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि मोदी आज शाम को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखें ये वीडियो। मोदी सरकार का आज शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अमित शाह के घर देर रात बड़ी मीटिंग, कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर मंथन, नड्डा भी हुए शामिल। मोदी सरकार का आज शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई। इस अहम बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही बीएल संतोष भी शामिल हुए। बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा हुई। अयोध्या के लोगों के लिए अपशब्द बोलने वालों के खिलाफ एक्शन हो, सपा नेता बोले। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे ने अधिकारियों से मांग की है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद अयोध्या के लोगों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। हम खुश होंगे अगर ये सरकार, ममता बनर्जी का एनडीए पर जुबानी हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एनडीए गठबंधन पर जुबानी हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो चाहती हैं कि एनडीए जल्द से जल्द अस्थिर हो जाए और ये लोग अपने घर जाएं। इनके पास देश के लिए कोई विजन नहीं है। हम खुश होंगे अगर जितना जल्दी से जल्दी एक अनस्टेबल, एक गड़बड़ गवर्नमेंट, जो वीक गवर्नमेंट जिसका पास देश को लिए कुछ नहीं है, देना भी नहीं है, एक जल्दी से जल्दी घर वापस जाए, ध्यान ध्यान करे, अच्छा रहे, लेकिन इंडिया का कमिटमेंट इंडिया को चलाने देना ठीक होता है। अगर इसका जगह में मैं होती तो विदाउट माई सिंगल पार्टी मेजोरिटी हम तो कभी रिस्पॉन्स नहीं ले। सोनिया को क्यों बनाया कांग्रेस संसदीय दल का नेता, खड़गे ने बताया। सोनिया गांधी के कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुने जाने पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह अपनी सारी खुशियां छोड़कर पार्टी की सेवा कर रही हैं, इसलिए मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं। इसी वजह से सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है। और इससे बड़ा क्या हो सकता है, जो इंसान पार्टी के लिए पूरी अपनी खुशियां छोड़कर पार्टी की सेवा कर रही है, तो इसलिए मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। ऐसे उनके तकलीफात में भी उन्होंने अपने सब काम पीछे रखकर देश के लिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। आपने आज एक बार फिर राहुल जी को कहा जिम्मेदारी लेने के लिए, क्या वो लोकसभा में जिम्मेदारी उठाएंगे आपको लगता है? अब वो वेट एंड सी। आप
आपके साथ प्रधानमंत्री का लोग लेंगे उस पर क्या कहेंगे? अरे वेट एंड सी बोले तो क्या भी, इसका मतलब क्या है? भारत पाकिस्तान मैच से पहले रोहित ने न्यूयॉर्क की ड्रॉप इन पिच पर उठाए सवाल। भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूयॉर्क में T20 वर्ल्ड कप 2024 का अहम मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले पिच को लेकर बवाल मचा हुआ है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने यहां की ड्रॉप इन पिच पर फिर सवाल उठाए हैं। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्यूरेटर भी असमंजस में है कि पिच कैसा व्यवहार करेगी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत पाक के बीच महाजंग, बाबर सेना को धूल चटाएगी रोहित ब्रिगेड। T20 वर्ल्ड कप आज भारत और पाकिस्तान की टक्कर होने जा रही है। यह मैच न्यूयॉर्क के नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से होगा। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा ही भारी रहा है। दिल्ली यूपी में लू का प्रकोप, महाराष्ट्र कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट, जाने देश भर का मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 9 जून को पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ स्थानों पर हीट वेव चलने की आशंका है। वहीं मानसून के चलते केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, असम और मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।